हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। दोस्तों बताएं क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ, काम काज क्या कर रहे हो? हम तो बस काम वाम मेरा फिनिश हो गया है, सारा काम हो गया है, कब खाना वाना भी बन गया है और ठीक ही हूँ फ्रेंड। और कल दोस्तों हमने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम हो गया था कल, इसीलिए हमने ब्लॉग नहीं बनाया। और फ्रेंड कह रहे थे कि वो हाँ क्या कह रहे थे, कह रहे थे आपका बीपी कैसा है, तो मैं बता दूं कि मेरा बीपी ठीक है, आज तो सही है, आराम है। मुझे और फ्रेंड कह रहे थे कि आपकी वो हाँ, और आपको बता दूं कि फ्रेंड कह रहे थे कि वो एक चटाई जो होती है साड़ी की जो चटाई बनाई जाती है, तो कितने में तैयार हो जाती है एक चटाई, कितनी साड़ी लगती है? तो उसमें दोस्तों 4 या 5 साड़ी लगती हैं, आप 4-5 साड़ी में बना सकते हो, 4 या 5 साड़ी में बन जाएगा आपका एक चटाई साड़ी से। बच्चे सुबह चले गए थे और मेरी बीपी तो ठीक है। दोस्तों पूछ रहे थे फ्रेंड की आपकी बीपी कैसी है, तो ठीक है बीपी, हमने गोल वोल पिया था और दवा भी खाई है, लेकिन अभी चक्कर आते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सही है, पहले से बेटर है। और फ्रेंड प्लीज सपोर्ट करिए प्लीज। अब तो दोस्तों ठंडी खत्म हो गई, गर्मी आ गई, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी ठंडी घर में लगती है, इसलिए मैं स्वेटर पहने हुई हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे घर में ना ठंडाता बहुत है, अंदर बिना स्वेटर के नहीं रह सकती हो, इतनी ठंडी लगती है, स्वेटर पहनना पड़ता है। आने वाले होंगे बच्चे, और कहीं जाना नहीं होता बाहर घूमने के लिए, कहीं जाए अब बाहर इतनी धूप, बाहर नहीं बैठ सकते हो, इतनी तेज धूप है। पहले धूप अच्छी लगती थी तो ये बाहर, अब तो बहुत ज्यादा, अब दिन का दिन धूप ज्यादा ही होगी। इतना बड़ा दाना निकल आया,
तो ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए बाय।